मध्य प्रदेश शासन के आदेश के बाद शहडोल जिले में झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान के तहत अब तक 16 अवैध क्लिनिक पर जांच टीम ने दबिश दी है। कार्रवाई का वितरण शहडोल जिले में कमिश्नर बीएस जमोद के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पिछले 4 दिनों से अवैध रूप से संचालित क्लिनिक और ग्रामीण इलाकों में बंगाली झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एके लाल के अनुसार अब तक 16 अवैध क्लिनिक और पैथोलॉजी की जांच की गई है। इसमें से 8 अवैध क्लिनिकों को नोटिस जारी की गई है, जबकि 3 अवैध क्लिनिकों को प्रशासन ने बंद कर सील लगा दिया है। आगे की योजना क्या है? स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रखेगी ताकि अवैध क्लिनिकों और झोला छाप डॉक्टरों पर अंकुश लगाया जा सके और लोगों को सुरक्षित और प्रमाणिक चिकित्सा सेवाएं मिल सके। शासन की तरफ से भी पत्र आया था कि जो अवैध क्लिनिक चला रहे हैं या पैथोलॉजी वाले हैं, उनको हमें चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करनी है, और जिन लोगों के पास डिग्री है या सक्षम कागज है उसको लाइसेंस जारी करना है। इसी तरह में हमारे यहाँ 3 DHO हैं, मैंने तीनों टीम बना के उनको रवाना किया। तो अभी आपने देखा होगा 3-4 दिन से वो लगातार हमारे टीम जा रही है और अभी तक करीब 16 क्लिनिक को उन्होंने बंद किया है जिनके पास आवश्यक कागज नहीं थे, और 6 लैब को आज हमारी टीम जाएगी और कल भी जाएगी और ये कार्रवाई चलती रहेगी। जो लोग सक्षम कागज रखे हुए हैं तो अपना लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दें, हम उनका लाइसेंस जारी कर देंगे, और जिनके पास इस तरह की डिग्री नहीं है या तो फिर उनको हम कार्रवाई करेंगे। सर कुछ FIR भी हुई है क्या? FIR के लिए नहीं, FIR दर्ज तभी की जाती है जब हमारे वो नियम को तोड़ दें, हम उसको सील करके आ जाएं और वो कर दें, ऐसे FIR दर्ज नहीं होती। या कोई घटना घट जाए इसकी रिपोर्ट मिले तो FIR दर्ज वैसे भी हो जाएगी। बाकी हम जिस कार्रवाई को करना ही चाहते हैं, आम जनता को सुझाव ये देना चाहते हैं कि सही लोग सही इलाज करें।